क्या? मेरा नाम नीतीश रंजन हुआ। नीतीश रंजन जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज जो है देश का कर्जा 50 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कैसे हुआ? 205 लाख करोड़, ये बताइए, आप अपने घर का सामान बेच बेच कर और रोड बनवाइएगा, ये कैसा विकास है? ठीक, हाँ ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देश में केवल धार्मिक मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार का भी मुद्दा है? दूसरा सवाल इनका बहुत सवाल है, युवा कहाँ जाएंगे आज के? एक बहाली आती है तो पेपर लीक हो जाता है, बच्चे ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब आते हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन वायरल हो गया है। बताइए किस किस सरकार में ये काम नहीं हो रहा है? यह दूसरा सवाल इनका बहुत सॉलिड है। आ गया। और सुनिए, और ये बताइए, कोई भी बहाली आ रही है उसके लिए ट्रेन जलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रेन कौन जला रहा है? आप देखिए, बहाली अगर सही समय पर होगी तो बच्चे प्रदर्शन क्यों करेंगे? ट्रेन जला दोगे? ट्रेन क्यों जलाएंगे? ट्रेन उकसाया जा रहा है सर, राजनीति होती है उसके पीछे। अच्छा, कौन करा रहा है? नेता उकसा रहे हैं। नेता उकसाते हैं तो आप किसके उकसावे में आते हैं? हम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आपके घर में भाई हैं, आप सोचिए, पाँच पाँच ट्रेन जला दोगे? ट्रेन जलाएंगे, उकसा रहे हैं। तो फिर कर्जे का सवाल क्यों करते हो? जब भड़काया जाता है, देश में दंगे क्यों होते थे? देश में दंगे क्यों होते तो थे? कौन उकसाता है? नेता उकसाते हैं। कौन नेता? जो विपक्ष में है वो उकसाते हैं। लेकिन रंजन जी का एक सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा रंजन भाई का सवाल बहुत सॉलिड है। उसको कोई भी सरकार आए, मैं कह रहा हूं बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई भी सरकार आए उससे बच नहीं सकती आने वाले समय में। यू हैव टू एड्रेस। लेकिन मैं बिहार में हर बार कहता हूं, बक्सर में भी कह के जाऊंगा और कहना जरूरी है, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं भाषण नहीं दे रहा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी जॉब होता है और प्राइवेट जॉब को तिलकोहरू नहीं चढ़ता है। प्राइवेट जॉब जो करता है ना, उसके यहाँ तिलकोहरू भी नहीं जाता। ये लगा दी, ये इन्होंने लगाई आग।